सबसे पहले करेंगे कमलनाथ के पोस्टर मामले में। आपको बता दें कि इस पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। पोस्टर मामले में कमलनाथ का बयान आया और ये कहा उन्होंने कि मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई है। पोस्टर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि भ्रष्टाचार था तो बीजेपी सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई, मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, देश में सबसे भ्रष्ट मध्य प्रदेश है। बता दें भोपाल के मनीषा मार्केट में इस वक्त कमलनाथ के पोस्टर्स लगे हैं और उन्हीं पोस्टर्स को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ ने भी जवाब दिया है, नीचा कोई नहीं दिखा पाएगा, ये सुन ले कान खोल के, प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। और आप मीडिया वालों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 45 साल 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। एक एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक। ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था उन्होंने बनाई है, एक सिस्टम बना लिया है, पैसे दो काम लो, ये इनका नारा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए इस पोस्टर्स को लेकर एक तरफ तो सियासत गरमाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ की ओर से जब जवाब दिया गया तो उन्होंने पूरा राजनीतिक जीवन गिना दिया, वो मीडिया के सामने रख दिया कि आप भी जानते होंगे कि आज तक मेरे ऊपर किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, न किसी ने मुझ पर उंगली उठाई है, अगर ऐसा था तो बीजेपी सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई। देखिए बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली, इसके पहले ही कमलनाथ के पोस्टर पर वायरल हुए, खासतौर से करप्शन ना तो उन्हें कहा गया है, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कमलनाथ ने यही कहा कि यदि सरकार मुझे भ्रष्टाचारी कहती है तो 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे कार्यकाल में यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार ने किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की। 40 साल के इतिहास में राजनीतिक करियर में आज तक कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जरूर भ्रष्टाचार चलता है, पैसे दो काम लो का नारा चल रहा है, लेकिन जनता सब गवाह है। और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता इस बात को बता देगी आखिर भ्रष्टाचारी कौन है। तो कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लंबे समय से 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, उस पर खुलकर कमलनाथ पहली बार बोले हैं कि यदि मैंने भ्रष्टाचार किया है तो क्यों सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की। क्योंकि लगातार इस बार कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ 2023 में मैदान में जाने वाली है, और कल से पूरे प्रदेश में अलग अलग नेता प्रचार करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सूरज, क्योंकि अभी तक हम इन चुनावों में कांग्रेस की तरफ से ही आरोप सुनते आ रहे थे, जो बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में बाजारों में अब कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया है। बने रहेगा सूरज, दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए, दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी प्रवक्ता और इसके साथ ही के मिश्रा जी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया भाग के अध्यक्ष। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले दुर्गेश केशवानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किसने ये पोस्टर्स लगाए ये तो साफ नहीं हो सका है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ही इस बात के आरोप लगा रही है। अब कमलनाथ जी का ये कहना है कि जब भ्रष्टाचार मैंने किया था तो फिर क्यों नहीं बीजेपी सरकार ने मेरी जांच कराई, जब आपकी सरकार थी तो आपको जांच करवानी चाहिए थी। देखिए, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, दड़ों में बटी हुई कांग्रेस, उनकी जो लड़ाई है वो सड़कों पर दिखने लगी। पूर्व में हमने देखा दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की टूटू में सड़कों पर, इसके बाद जब कमलनाथ जी ने सब नेताओं को घर बैठा दिया तो जो उनके गुट हैं, जैसे कमलनाथ जी का गुट हो गया, दिग्विजय सिंह जी का गुट हो गया, कांतिलाल भूरिया जी का हो गया, सुरेश पचौरी जी का गुट हो गया, राहुल भैया जी का, इस लंबी बैठक कांग्रेस में है नेताओं में जो गुटों में बटी हुई है, दड़ों में बटी हुई है। अरुण यादव जी अभी दिल्ली में मिले थे हाई कमान से जाके अपने हुनर होने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी अंदरूनी लड़ाई है वो चरम पर दिखने लगी है। और कमलनाथ जी जो बात कह रहे हैं, तो हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इनके ही नेता उमंग शृंगार ने आके मीडिया के समक्ष कहा था कि हमारी कांग्रेस सरकार प्रदेश को लूटने आई है, ठीक है, हमारे सबसे बड़े माफिया दिग्विजय सिंह जी हैं, वो अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, और विधायक जो कांग्रेस के थे जब इनकी सरकार थी
तो वो खुद कहते थे कि कमलनाथ जी को माफिया से मिलने का समय है। बीजेपी यही कह रही है कि अंतर्द्वंद चल रहा है और इसलिए सड़कों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। केके मिश्रा जी, अभी तक तो ये साफ ही नहीं हो सका है कि ये पोस्टर किसने लगाए। बीजेपी तो ये कह रही है कि अंतर्द्वंद है, अंतर कलह है और आप ही के किसी नेता ने लगा दिया होगा, तो आप बीजेपी पर कैसे आरोप लगा रहे सर? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में महारत हासिल किए हुए है, और जिन लोगों में इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो लोग कमलनाथ जी के खिलाफ पोस्टर लगा दें और मुंह काला करके खुद भाग जाते हैं, कह रहे हमने नहीं लगाया है, तो उन लोगों पर विश्वास क्या किया जाएगा? और मैं तो चुनौती देता हूं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं, और अभी हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने जो भी सीधी चुनौती शिवराज सिंह चौहान जी को दी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कमलनाथ जी के खिलाफ ये आरोप सच है और शिवराज सिंह जी चौहान की पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं, ये पोस्टर लगाए हैं, तो मुझे खुली चुनौती देने में कोई गुरेज नहीं है कि 24 घंटे के भीतर कमलनाथ जी के खिलाफ FIR दर्ज करे भारतीय जनता पार्टी। नैतिकता और हिम्मत है तो हर मामलों में झूठे मुकदमे फंसाती है भारतीय जनता पार्टी, तो कमलनाथ जी के विरुद्ध 15 महीने के भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए? खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कमलनाथ जी के 45 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी उन्हें एक फाइल जलवाने की जरूरत नहीं पड़ी जी। या तो बिल्डिंगें की बिल्डिंगें जलवा दी इन्वेस्टरों ने, और उसके बाद नैतिकता नहीं, दुष्टों से चोरों से ही जांच करवाते हैं और जो बिल्डिंग में आग लगाने वाले उन्हीं को रिपोर्ट देते हैं। ये मजाक चल रहा है मध्य प्रदेश में, और इनकी राजनीतिक अंत्येष्टि सन्निकट है। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है कि वो समय की कमी है, जल्दी से राजनीति करें, नहीं तो हम वैसा जवाब देंगे। जल्दी से सर। देखिए मैम, जिस तरह से केके मिश्रा जी कह रहे हैं, इनकी आंतरिक लड़ाई है और ये उसमें ही सब बातें किए जा रहे हैं। केके मिश्रा जी, भाई आप एक बात तो सुन लीजिए, आप बात करने का मौका दें, बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। तो पोस्टर्स की सियासत इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है, और इसी मामले में